मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, हमारा शरीर उसमें से पोषक तत्व अलग करके विषैले पदार्थों को मूत्र और मल द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। इसीलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि पेशाब की वेदना महसूस होते ही उसी वक्त आप पेशाब करें। लेकिन अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन आए तो ये किसी रोग के लक्षण भी हो सकते हैं। रात को बार बार पेशाब आए तो नींद खराब हो जाती है। पेशाब ज़्यादा आना सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक कारणों से भी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा तनाव लेना या फिर किसी चीज़ से डर जाना। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि बार बार पेशाब क्यों आता है और क्या है इसको रोकने के लिए घरेलू उपाय। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बार बार पेशाब क्यों आता है तो इसकी कई सारी वजहें हो सकती हैं, जैसे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना, सर्दियों में ठंड की वजह से जाहिर सी बात है बार बार पेशाब करना पड़ता है, पर ये समस्या प्रेगनेंसी में भी होती है। शुगर के मरीज़ को भी बार बार पेशाब आता है। प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने पर भी यूरिन ज़्यादा आता है। ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या शराब के सेवन से भी पेशाब बहुत आता है। पेट में कीड़ों की समस्या हो तो पेशाब ज़्यादा आता है। छोटे बच्चों के साथ ये परेशानी होती है। इसके अलावा मूत्राशय अगर ज़्यादा सक्रिय हो या फिर मूत्राशय में पेशाब जमा करने की क्षमता कम हो जाए तो भी पेशाब बार बार आता है। कई बार किसी रोग के उपचार में ली हुई दवाओं की वजह से भी ज़्यादा पेशाब आता है। ऐसे में अपने चिकित्सक की राय ज़रूर लेनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि बार बार पेशाब आने की समस्या को ख़त्म करने के लिए घरेलू उपाय कौन से हैं। सुबह शाम तिल के लड्डू खाने से बार बार पेशाब लगने की बीमारी में आराम मिलता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब आता हो उन्हें अपने खाने में दही ज़रूर शामिल करनी चाहिए, क्योंकि दही में बैक्टीरिया होता है जो मूत्राशय में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है। रात को बार बार पेशाब आने की परेशानी हो तो सेब खाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा दिन में दो बार गाजर के जूस का सेवन भी कर सकते हैं। बार बार पेशाब आने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए मसूर की दाल भी बेहद फ़ायदा करती है। अगर आप मेथी का साग एक कटोरी हर रोज़ खाएं तो इस देसी नुस्खे से भी पेशाब ज़्यादा आने की समस्या कम हो जाती है। बुढ़ापे में पेशाब का बार बार होना एक आम समस्या होती है। इसके उपचार के लिए छुहारे खाने से फ़ायदा मिलता है। रात को सोने से कुछ देर पहले छुहारे खाकर दूध पिएं। पालक की सब्जी शाम को बनाकर खाने से भी थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब आने की समस्या कम हो सकती है। हर रोज़ सुबह नाश्ता करने के बाद दो पके केले खाएं या फिर अंगूर का भी सेवन कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा पेशाब आने की बीमारी दूर होती है। आप चाहें तो 3 पिस्ता, 5 काली मिर्च और 3 मुनक्का पीस लें और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इस घरेलू दवा से भी फ़ायदा मिलता है। चलिए अब आपको बताते हैं पेशाब बार बार लगने का आयुर्वेदिक उपचार। अगर आप थोड़ी से नमक में 1 चम्मच अजवाइन मिलाएं और पानी के साथ सेवन करें, दिन में 2 बार इस उपाय को अपनाएं, कुछ दिनों में ही पेशाब की समस्या से निजात मिलती है। पेट में कीड़े पड़ने की वजह से बच्चों को बार बार पेशाब आता है। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है या फिर नॉर्मल से ज़्यादा पेशाब करता है तो इसके इलाज के लिए थोड़ा जायफल घिस लें और 1/4 चम्मच की मात्रा में बच्चे को चटा दें, फिर ऊपर से दूध पिलाएं। 2 से 3 दिन इस उपाय को करने से पेशाब का बार बार आना ठीक हो जाएगा। बार बार पेशाब आने की दवा के लिए आप अनार के छिलके को पीसकर इसका 5 ग्राम चूर्ण पानी के साथ दिन में 2 बार लें तो बार बार यूरिन आना बंद हो जाता है। 1 ग्लास पानी के साथ आधा आधा चम्मच बेकिंग सोडा लेने से भी यूरिन का पीएच बैलेंस कंट्रोल में रहता है। भुने हुए चने गुड़ के साथ खाने से भी आराम मिलता है। 10 से 12 दिन इस उपाय को अगर आप निरंतर करें तो ज़्यादा पेशाब आने की परेशानी दूर हो जाती है। गुड़ के साथ आंवले का चूर्ण खाने से पेशाब खुलकर आता है। 3 से 4 दिन तक 2 से 3 आंवलों के रस का सेवन करने से भी फायदा मिलता है। चलिए अब आपको सबसे आखिर में ये बताते हैं कि कैसे आप पहचानें कि आपको जिस तरह का पेशाब आ रहा है वो किसी बीमारी का लक्षण है या फिर नहीं, क्योंकि पेशाब देखकर शरीर में होने वाली बीमारी का पता लगा सकते हैं।
अगर पेशाब के रंग में हल्का सा पीलापन है तो ये नॉर्मल है, पर रंग अगर गहरा पीला है तो ये शरीर में पानी की कमी के संकेत है। इसके इलाज के लिए पानी ज़्यादा पिएं। अगर पेशाब का रंग बहुत लाल है, यानी कि पेशाब में खून आने के संकेत हैं, ऐसे में डॉक्टर से तुरंत मिलें और जांच करवाएं। टेस्ट में ये पता लगेगा कि ये खून किस वजह से आया है। पेशाब का रंग काला या फिर गहरा लाल कई रोगों की वजह से हो सकता है, जैसे हेपेटाइटिस, लिवर में इन्फेक्शन, सिरोसिस या फिर कोई और बीमारी। इसके अलावा भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आपको पेशाब की वेदना महसूस हो तो आप यूरिन ज़रूर पास करें, क्योंकि जितनी देर आप इसे बर्दाश्त करेंगे उतनी ही देर आपके शरीर के दूसरे अंगों पर इसका असर होगा। जैसे कि कई लोगों को समस्या हो जाती है बहुत ही कम उम्र में घुटनों के दर्द की, तो आप गौर ज़रूर कीजिएगा कि कहीं आप ज़्यादा देर तक पेशाब को रोक कर तो नहीं रखते। तो आज हमने आपको बताया पेशाब अगर आपको बार बार आता है तो क्या होते हैं इसे ख़त्म करने के लिए घरेलू उपाय। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और चीज़ की समस्या को लेकर, किसी और चीज़ की विशेष जानकारी को लेकर। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।